ग्राम है और जिसकी स्पीड फोर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड है right? तो इन्होंने बोला है है, कि अगर स्पीड जो वो टू परसेंट एक्यूरेसी के साथ मेजर कर रही हो हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो प्लस माइनस टू परसेंट चल रही है कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन दी पोजिशन ठीक है आपको गोल्फ बाल की जो पोजिशन है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है दैट मीन कि वो पोजिशन जो है वो एग्जैक्ट पोजिशन से कितनी प्लस माइनस हो रही है ये आपने फाइंड आउट करना है राइट तो इसके लिए भी हम हेजन बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल

इन मोमेंटम है नाउ डेल्टा पी हमारे पास एम डेल्टा वी के इक्वल आता है राइट एम इज मास ऑफ दिस गोल्फ बॉल और डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी राइट सो हम गिवन वैल्यूज देखते हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या क्या है फर्स्ट मास गिवन है मास ऑफ द बॉल दैट इज फोर्टी ग्राम ठीक है इस फोटी ग्राम को मैं के जी में कन्वर्ट करूंगी आई नो दैट वन के जी इक्वल टू थाउजेंड ग्राम के इक्वल आता है राइट और वन ग्राम ऑबियसली वन बाई थाउजेंड के जी के इक्वल होगा नाउ दिस थाउजेंड इज टेन रेज टू पर थ्री राइट तो ये जब टेन रेज पर थ्री मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये टेन रेस्ट पर माइनस थ्री के इक्वल आ जाएगा इसका मतलब है कि एक ग्राम जो है वो टेन रेज टू पर माइनस थ्री के जी के इक्वल होता है तो ये एक ग्राम की वैल्यू पुट कर सकते हो टेन रेज टू पर माइनस थ्री के जी आ गया नाउ डेल्टा वी इसकी वैल्यू अनसर्टेनिटी इन विलोसिटी राइट टू परसेंट ऑफ दिस वेलोसिटी दैट इज फोर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड राइट यू कैन राइट डेल्टा वी इज टू परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड राइट टू so, परसेंट का मतलब है टू बाई हंड्रेड इंटू फोर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड आ गया राइट सो फोर्टी फाइव इंटू टू इट विल बी नाइनटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड दैट मीन्स ये दो जीरो मैंने कैंसिल कर दिए नाइन डिवाइडेड बाई टेन जीरो पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड आ गया इट मीन्स कि मेरे पास जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी आ रही है वो जीरो पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड है मतलब कि फोर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है हमारे पास गोल्फ बॉल की ठीक है तो अनसर्टेनिटी के हिसाब से ये 45 प्लस 0.9 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है और 45 माइनस 0.9 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है दैट मींस कि इसकी स्पीड जो है वो कम या ज्यादा 0.9 मीटर पर सेकंड के विद रिस्पेक्ट होगी हमारे पास h इज प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6.626 10 रे टू पावर -34 जूल सेकंड राइट पाई इज़ 3.14 पाई की वैल्यू भी आपको याद रखनी है मेनली हमने डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है डेल्टा पी की वैल्यू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई फोर पाई आ गया ये एम डेल्टा वी जो है ये मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी इक्वल टू के तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू एच बाई फोर पाई एम डेल्टा वी बन गया अब वैल्यूज पुट करेंगे सो so एच की वैल्यू सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेज टू पर माइनस थर्टी फोर इन पॉइंट वन फोर मास फोर्टी इंटू टेन रेज टू पर माइनस थ्री के आ गया इंटू डेल्टा v अनसर्टिनटी इन विलोसिटी जीरो पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड आ गई अब अगर आप देखो तो आपके पास डिनोमिनेटर में के जी आ रहा है ठीक है और न्यूमरेटर में के जी नहीं है तो अगर मैंने अनसर्टेनिटी इन पोजिशन के यूनिट्स जो हैं वो निकालने हैं तो उसके लिए मुझे बाकी यूनिट्स कैंसिल करने होंगे तो एक जूल जो होता है वो वन के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के इक्वल आता है तो यहाँ पे हम एक जूल की वैल्यू पुट कर सकते हैं सो so, डेल्टा एक्स इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स

इंटू जीरो मीटर पर सेकेंड आ गया राइट right? एक मीटर आपने इसके साथ कैंसिल कर दिया एक सेकेंड इनवर्स के साथ कैंसिल होगा के जो है इस के के साथ कैंसिल कर दिया अब हम बेसिक मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेज टू पर माइनस थर्टी फोर ये जो पावर है टेन रेज टू पर माइनस थ्री डिनोमिनेटर में जब आप में लेके जाओगे तो ये टेन रेस टू पार प्लस थ्री हो जाएगी राइट डिवाइडेड बाई फोर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फोर्टी इंटू जीरो पॉइंट नाइन दिस विल बी फोर फिफ्टी टू पॉइंट वन सिक्स यूनिट केवल मीटर रह गए राइट तो अब हम ये पावर्स जो हैं इन्हें आपस में ऐड करेंगे क्योंकि दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में हैं तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर प्लस थ्री आ गया डिवाइडेड बाय फोर फिफ्टी टू पॉइंट वन सिक्स यूनिट्स मीटर ओनली नाउ अब हम हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से कम आ रही है तो मैं क्या करूँगी मैं ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ठीक है ये डिवाइड करने के लिए इसे कम बना लूंगी सो so, ये डेसिमल जो है वो मैं अप टू टू डिजिट डिस्प्लेस करूंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो पावर मेरे पास पॉजिटिव आएगी राइट सो डेल्टा एक्स इक्वल टू सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेज टू पर माइनस थर्टी फोर प्लस थ्री इट विल बी माइनस थर्टी वन डिवाइडेड बाय फोर पॉइंट फाइव टू वन सिक्स इंटू टेन रेज टू पार्ट टू क्योंकि हमने जो डेसीमल है वो अप टू टू डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेस की है तो पावर पॉजिटिव आएगी राइट तो जब आपने सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स को फोर पॉइंट फाइव टू वन सिक्स के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज वन पॉइंट फोर सिक्स फाइव नाउ ये जो पावर है टेन रेज टू पार्ट टू ये जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये माइनस टू हो जाएगी राइट तो इन टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन इंटू टेन रेज टू पार माइनस टू और यूनिट्स केवल हमारे पास मीटर रह गई मतलब हमने पोजीशन के यूनिट्स फाइंड आउट करने थे पोजीशन के यूनिट जो हैं वो मीटर होते हैं राइट सो so, दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो ये सिंपली आप ऐड कर सकते हो डेल्टा एक्स इक्वल टू वन पॉइंट रेज टू पार माइनस थर्टी थर्टी थ्री मीटर इज फाइनल आंसर मतलब कि इन पोजीशन जो है एक गोल्फ बॉल की वो वन पॉइंट फोर सिक्स फाइव इंटू टेन रेस टू पर माइनस थर्टी थ्री मीटर आएगी